नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है चेकलिस्ट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेंटिंग। इंटरनल पेंटिंग या एक्सटर्नल पेंटिंग शुरू करने से पहले क्या क्या हम लोगों को पॉइंट्स चेक करना पड़ता है, और उसके साथ ही पेंटिंग करते समय प्रोसीजर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है, ये सब चीज़ का हम आज डिटेल में देखेंगे। एक चेकलिस्ट है इंटरनल वॉल पेंटिंग के लिए, मतलब इंटरनल वॉल पेंटिंग करने से पहले क्या क्या हम लोगों को चेक करना चाहिए उसका डिटेल्स है। सबसे पहले हम देखेंगे ये लोकेशन डिटेल्स, ये नेम ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम है, फिर फ्लोर रेफरेंस है, कौन सा फ्लोर है, इसके बाद एक्टिविटी स्टार्टिंग डेट, कौन से डेट को एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, फिर नेम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम क्या है, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो भी ये काम करने वाला उसका नाम क्या है, इसके बाद एक्टिविटी कंप्लीशन डेट, मतलब जिस दिन को ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई उसका डिटेल्स है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो चेक किए जाते हैं पेंटिंग करने के समय। अभी सबसे पहले देखेंगे हम सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में जो भी अपना हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा वो इधर मेंशन करना है। अभी बिफोर इंटरनल पेंटिंग, मतलब इंटरनल पेंटिंग शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ चेक करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले है ऑल सिविल एंड इलेक्ट्रिकल्स वर्क कंप्लीट, मतलब सब सिविल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क वो एरिया का कंप्लीट है कि नहीं ये चेक करना है। अगर कंप्लीट है तो उसको टिक करना या फिर ओके करना है। उसके बाद है मेन डोर प्रोवाइडेड विथ लॉकिंग अरेंजमेंट, जो मेन डोर है वो कंप्लीट है कि नहीं, उसका लॉकिंग अरेंजमेंट बराबर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, वो चेक करना है। उसके बाद है वॉल सरफेस ड्राई चेकड, मतलब वो जो वॉल हम लोग पेंटिंग करने वाले हैं वो उसका सरफेस पूरी तरह से ड्राई है कि नहीं, वो सूखा हुआ है कि नहीं, वो चेक करना है। इसके बाद है डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम वॉल सरफेस बाय पेपरिंग, मतलब जो भी डर्ट या डस्ट पार्टिकल्स है वो पूरा सैंड पेपर से वगैरह वो पूरा निकाले गए हैं कि नहीं, या फिर वो वैसा ही, वो सब चेक करना है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, स्विचेस, विंडोज, डेकोरेटिव पीसेस, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सब कवर किया गया है कि नहीं विथ मास्किंग टेप, मतलब मास्किंग टेप लगा करके वो पूरा कवर किया है कि नहीं वो चेक करना है, क्योंकि वो पेंट उसके ऊपर गिर के वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। इसके बाद है मटेरियल, जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, प्राइमर है, पेंट है, पुट्टी है, जो मटेरियल है वो अप्रूव्ड ब्रांड का, कलर का, शेड का, टेक्सचर का है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। इसके बाद है मैन्युफैक्चरर्स लिटरेचर, ये पेंट का एक लिटरेचर रहता है, जैसे कौन सा मिक्स है, क्या है, कितना प्रपोर्शन में मिक्स करना है, कितना उसका एप्लीकेशन है, कवरेज है, वो सब डिटेल उसका लिटरेचर है, वो साइट पे अवेलेबल है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। इसके बाद अप्रूव्ड शेड कार्ड विथ फाइनल शेड्स मार्क ऑन देम, मतलब ये शेड कार्ड हर पेंटर वाला हम लोगों को देता है, तो वो शेड कार्ड वो साइट पे अवेलेबल है कि नहीं वो हमको चेक करना है। इसके बाद ये ब्रश, रोलर, वाटर पेपर या सैंड पेपर, एमरी पेपर, ये बराबर एक स्टैंडर्ड अप्रूव्ड ब्रांड का है कि नहीं, ये वो चेक करना है। अगर अप्रूव्ड ब्रांड का है, प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो उसको टिक मार्क करेंगे। अगर उधर कुछ नहीं है तो इसमें रिमार्क लिखेंगे, नॉट अप्रूव्ड, या फिर कुछ जो भी रिमार्क रहेगा वो इसमें हम लोग को मेंशन करना है। इसके बाद जो स्कैफोल्डिंग, स्टेजिंग जो रहते हैं वो प्रॉपर प्रोटेक्शन फॉर लेग्स, मतलब लेग्स ये होने का चांसेस है, फैलने का चांस रहता है, इसलिए उसके लेग्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन है कि नहीं, और उसके साथ ही वो फ्लोरिंग को स्क्रैच ना कर सके, स्क्रैचिंग ना कर सके, ये भी चेक करना है। इसके बाद हम लोग जो पेंटिंग करने वाले हैं उसके हिसाब से अवेलेबल क्वांटिटी है कि नहीं, पेंट का प्रॉपर क्वांटिटी है कि नहीं, कम तो नहीं, जो सफिशिएंट क्वांटिटी है कि नहीं, वो चेक करना है। अभी हम देखेंगे ये जो प्रोसीजर है पेंटिंग करते समय क्या प्रोसीजर हम लोग चेक करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले प्राइमर कोट हम लोग अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कोट जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से।
उसके बाद पुट्टी अप्लाई करते हैं प्राइमर के ऊपर, मतलब जो भी अंडुलेशंस है उसको निकालने के लिए, या फिर एज पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पुट्टी अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो पुट्टी को हम लोग वो पेपरिंग करके उसका पूरा सरफेस प्लेन करते हैं। इसके बाद ये वो पेंट का कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। इसके बाद है ये प्राइमर कोट हम लोग अप्लाई करते हैं, सेकंड कोट मतलब पुट्टी के ऊपर का। इसके बाद है ये पेंट हम लोग अप्लाई करते हैं दो कोट का, मतलब फर्स्ट कोट अप्लाई करते हैं वो ड्राई होने के बाद में, दूसरा कोट अप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि रोलर जो भी है, यूज़ ऑफ रोलर जो भी हमको टेक्सचर रिक्वायर है उसके लिए हमको रोलर यूज़ करते हैं, वो अच्छा है प्रॉपर है कि नहीं वो देखेंगे। और मेनली रोलर यूज़ करके रिक्वायर्ड टेक्सचर हम लोग लाते हैं एज पर स्पेसिफिकेशन। इसके बाद इंटरनल पेंटिंग होने के बाद क्या चीज़ हमको देखना है वो देखेंगे हम, कि फिनिश सर्विस जो भी है वो टेक्सचर सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, देखने में कैसा है ये चेक करते हैं। और इसके बाद ये पेंटिंग पूरा होने के बाद वो पेंट जो भी नीचे गिर जाता है वो पूरा फ्लोर का क्लीनिंग करना है, विंडो पेंस का क्लीनिंग करना है, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स फिटिंग स्कर्टिंग एक्सेट्रा, इसके आसपास भी कुछ अगर गिरा है तो उसका पूरे तरह से क्लीनिंग करना है। और ये सब क्लियर होने के बाद ही वो पूरा वर्क कंप्लीशन का चेक करना है, मतलब पूरा पेंटिंग होने के बाद भी वो वर्कर्स को उधर से मतलब हम लोग छोड़ सकते हैं। अभी ये सब हम डिटेल चेक करते हैं, वो साइट इंजीनियर या फिर जूनियर चेक करता है, इसके बाद तो उनके सीनियर इंजीनियर चेक करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव जो भी रहेगा उसका वो भी चेक करते हैं, और लास्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर, ये तीनों देखने के बाद पूरा चेक करके अप्रूव करते हैं। अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल वॉल पेंटिंग के लिए क्या क्या चेकलिस्ट है। एक्सटर्नल वॉल पेंटिंग के लिए इधर एज इट इज सेम नेम ऑफ प्रोजेक्ट, नेम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग प्रेफरेंस, उसके बाद नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, एक्टिविटी स्टार्टिंग डेट, एक्टिविटी कंप्लीशन डेट। अभी कुछ पैरामीटर्स है जो हम लोग एक्चुअल साइट में चेक करते हैं। तो सबसे पहले पेंटिंग शुरू होने से पहले जो चेक करते हैं उसका एक्सटर्नल वॉल पेंटिंग के लिए, सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल वर्क पूरा फिनिश हुआ है कि नहीं एज पर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये हम चेक करते हैं। उसके बाद है ये क्लाइंट ने जो भी चेंजेस दिया है एज पर सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर अलग जो भी ड्राइंग है उसके हिसाब से, या सारे चेंजेस के हिसाब से काम पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं ये हम चेक करते हैं। इसके बाद में ये जो भी वॉल सर्फेसेस है ये पूरा ड्राई है कि नहीं ये चेक करते हैं, इसमें कोई डैम्पनेस तो नहीं है, कुछ इश्यू तो नहीं है वो हम चेक करते हैं। इसके बाद है स्कैफोल्डिंग अरेंजमेंट बराबर है कि नहीं, वो सेफ है कि नहीं, सेफ्टी का भी हम लोग ख्याल रखते हैं, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया है कि नहीं वो चेक करते हैं। ये मास्किंग टेप हम लोग विंडोज डोर फ्रेम्स के ऊपर, स्कर्टिंग्स के ऊपर, या स्विचेस इलेक्ट्रिकल जो भी बोल रहे हैं उसके ऊपर लगाते हैं ताकि उस वो डैमेज ना हो पेंट गिर के। इसके बाद वो डोर विंडो फ्रेम्स, शटर्स, ग्लेजिंग, प्लम्बिंग फिक्चर्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, स्विचेस, डीबी बॉक्स, ये सब हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं या फिर कवर करते हैं प्लास्टिक पेपर से, ताकि ये पूरा पेंटिंग एक्टिविटी होने तक ये पूरा सेफ रहे, इसके कोई डैमेज ना हो। और ये पूरा कंप्लीट एक्सटर्नल पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद में ही ये पूरा हम निकालते हैं हैंडओवर के समय में। अभी हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पेंटिंग करते समय देखते हैं, मतलब ड्यूरिंग पेंटिंग प्रोसीजर के समय। अभी सबसे पहले साउंडनेस ऑफ सरफेस बाय टैंपिंग, टैंपिंग करके उसका साउंडनेस हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद ही ये जो सरफेस है वो क्रैक्स और अंड्यूलेशन तो नहीं है वो भी चेक करते हैं। इसके बाद है ये सरफेस पूरा मतलब डर्ट या डस्ट से फ्री तो फ्री है कि नहीं ये हम चेक करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर हम लोग जो भी किया है उसका सरफेस का क्लीनिंग, मतलब ऑल टाइप से डर्ट डस्ट और ये सब से पानी से हम पूरा क्लीन किया है कि नहीं चेक करते हैं, और साथ में उसको क्लीनिंग भी करते हैं। इसके बाद हम बायोवाश मतलब जो क्लीनिंग ट्रीटमेंट है वो यूज़ किया है कि नहीं या ये भी हम चेक करते हैं। इसके बाद है
सरफेस टेक्सचर पेंट के लिए सरफेस अगर रेडी है कि नहीं वो हम चेक करते हैं, और इसका पूरा अप्रूवल हम लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले पर्सन से या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर से लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक्सटर्नल वॉल पेंटिंग। अभी हम पेंटिंग करते समय क्या क्या करते हैं उसका डिटेल देखेंगे। सबसे पहले टेक्सचर एप्लीकेशन कब किया, डेट टाइम, इसके बाद में ये अप्रूव्ड प्राइमर जो भी अप्रूव्ड है वही यूज़ किया है कि नहीं, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ टेक्सचर एप्लीकेशन, मतलब टेक्सचर एप्लीकेशन के बाद ही अप्रूव्ड प्राइमर यूज़ किया है कि नहीं, उसका डेट और टाइम रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट कोट ऑफ अप्रूव्ड शेड पेंट बिन अप्लाइड ओवर टेक्सचर, इसके बाद मतलब फर्स्ट कोट जो भी है अप्रूव्ड शेड का वो टेक्सचर के ऊपर अप्लाई किया है कि नहीं वो चेक करते हैं। उसके साथ में ये फर्स्ट कोट जो भी है वो प्राइमर का ड्राई होने के बाद ही हम यूज़ करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये उसका डेट और टाइम वो भी मेंशन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फाइनल कोट जो भी है अप्रूव शेड का वो कब करते हैं कि जब फर्स्ट कोट जो भी है वो कम्प्लीटली ड्राई होता है उसके बाद ही फाइनल कोट अप्लाई करते हैं। और ये पूरा चेकिंग होने के बाद में वो जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर इन सब का सिग्नेचर वगैरह देते हैं, उसके साथ ही कॉम्पोनेंट डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव उनका थ्रू ये पूरा चेकअप करते हैं, चेकिंग करते हैं, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर से साइन लेके उसको कंप्लीशन है चेकिंग का ये देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए।